हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। पीएनजी लर्न फास्ट कंप्यूटर में आप सभी स्टूडेंट्स स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है नोट पैड में एडिट मेन्यू कैसे यूज करें। सबसे पहले हम नोट पैड को ओपन कर लेते हैं लर्न कमांड के माध्यम से। जब हमारा नोट पैड ओपन हो जाता है तो हम एडिट मेन्यू को ओपन करते हैं। एडिट मेन्यू ओपन हो जाने के बाद हम अपने नोटपैड के पेज पर कुछ लिख लेते हैं। जैसे हमने अपने नोटपैड के पेज पर वैष्णवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख लिया। अब उसके बाद हम एडिट मेन्यू को ओपन करते हैं। अगर हमें फॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, बट हम एडिट मेन्यू को डायरेक्ट ओपन करते हैं और आप लोगों को इसका यूजेस बताते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब हम उसे कट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं तो एडिट में जो पहला मेन्यू अंडो है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड है, इसके माध्यम से हम उसको वापस ला सकते हैं। और दूसरा है कट। कट से क्या होता है कि हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है तो उसको हम किसी अदर स्थान पर मूव करा सकते हैं या पेस्ट के माध्यम से भी हम उसको ला सकते हैं। और तीसरा हमारा जो मेन्यू है वो है पेस्ट। तो पेस्ट के माध्यम से मेरा वही काम है, जैसे हम अगर कॉपी करते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब हम किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट तैयार करके उसको हम उसी का डुप्लीकेट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपका डिलीट। डिलीट ऑप्शन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे हम टेक्स्ट को डिलीट कर दिए सेलेक्ट करके, ठीक ऐसे ही आप सभी लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड, जिसका शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड से क्या होता है, किसी भी वर्ड को पाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम एक आपको प्रयोग करके बता देते हैं, जैसे हमें फाइंड व्हाट, हमें क्या पाना है, तो हम कंप्यूटर लिख लेते हैं और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा कंप्यूटर जो है हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अगला जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा होगा वहाँ पे वो फाइंड कर लेगा, मतलब अपने आप आपको जो है हाईलाइट करके दिखा देगा। डाउन है तो डाउन की तरफ जाएगा, अप है तो अप की तरफ। ठीक है, अप का मतलब ऊपर होता है, डाउन का मतलब होता है नीचे। ठीक है, अब अगला है फाइंड नेक्स्ट। ठीक उसी तरह फाइंड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस अभी बता रहा है कैन नॉट फाइंड, तो हम जो है कि उसको अप कर देंगे तो डाउन के माध्यम से वो जाएगा। ठीक है, तो हम कंप्यूटर लिख दिए हैं, अब उसको हम अप पे टिक लगा लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है कि फाइंड कर सकते हैं या फाइंड नेक्स्ट मतलब अगले वाले मैटर को पाने के लिए। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है आपका रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी वर्ड के स्थान पे किसी अन्य वर्ड को रिप्लेस करना, मतलब रखना। तो हम कंप्यूटर के स्थान पर किसी वर्ड को लिख कर रखते हैं, जैसे हमारा जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा है वहाँ पर हम क्या रखना चाहते हैं। तो हम कंप्यूटर हमारा जहाँ भी लिखा है उस स्थान पे हम चलिए कुछ टेक्स्ट लिख कर रखते हैं। तो उस स्थान पे जहाँ जहाँ पर भी कंप्यूटर हमारा लिखा गया है वहाँ पर हम साइबर लिख लेते हैं कि रिप्लेस करे तो हमारा कंप्यूटर के स्थान पे साइबर हो जाए। तो अभी कह रहा है कैन नॉट फाइंड, तो हम उस ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं जो रिप्लेस में हमने किया था। ठीक है, तो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे
तो जहाँ पर कंप्यूटर लिखा था वहाँ पर साइबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जिस जिस स्थान पर कंप्यूटर लिखा रहेगा वहाँ पर ये साइबर हो जाएगा। अगर हम रिप्लेस आल कर देते हैं तो हमारा सभी जगह एक साथ ही साइबर हो जाएगा जहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग यूज कर सकते हैं रिप्लेस ऑप्शन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखना चाहते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैष्णवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा गया था, वैष्णवी कंप्यूटर लिखा गया तो वहाँ पर क्या साइबर हो गया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है गो टू का मतलब होता है जाना। जाना मतलब आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा कर्सर फर्स्ट लाइन में, तो गो टू पे हम क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिक शो कर रहा है कि हमारा कर्सर फर्स्ट लाइन में था। अब हमको जैसे जाना है किस लाइन में तो उस लाइन का हम नाम लिखते हैं। हमको जाना है पाँचवें लाइन में तो हम पाँच लिख लेते हैं, तो हमारा कर्सर देखिए ऑटोमेटिकली पाँचवें लाइन में शो होने लगा, ठीक है। सेलेक्ट आल का मतलब सभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए से भी हम इसको आल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इस ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है आपका टाइम एंड डेट। तो टाइम एंड डेट का प्रयोग हम अपने नोटपैड के पेज पर टाइम एंड डेट को शो कराने के लिए। अगर आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही डेली हम कंप्यूटर से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।